देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। भवानी और कोटा में खुद कोटा के लिए चिंतित हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को उनकी मदद की जाएगी, उनका रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतना वहां पर पानी जमा हो चुका है। जी हाँ, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ फंसे हैं, और खासतौर पर जिस हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एक जगह जहाँ हॉस्टल के अंदर कोटा के अंदर जो फंसे हुए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की कोशिश की जा रही। पहले ये देखा जा रहा है कि क्या ऐसे निकाला जा सकता है वहां तक। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम और सेना की टीम पहुंची है और वहां से कोशिश की जा रही है निकालना, अगर नहीं निकाल पाए तो अलर्ट कर दिया गया हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर मंगवाया जा सकता और उससे भी रेस्क्यू किया जा सकता। और जो आसपास के इलाके के टापू बने हुए हैं सांगोद कस्बे के आसपास के इलाके जहां नदी से पानी आया, एक डैम टूटा था, डैम की वजह से पानी आया, हालांकि डैम का बहाव अब रोक दिया गया, लेकिन जो पहले पानी आ चुका है उससे तकरीबन सांगोद कस्बा लगभग डूब चुका है और आसपास के जो गांव टापू बने वहां लोग फंसे हुए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर दिक्कतें आए तो फिर हेलीकॉप्टर को मंगाया जाए और उसके बाद में कम से कम सबसे पहले जो टीचर्स और उनके स्टाफ फंसे हैं उनको निकाला जाए। जी बिल्कुल, और राजस्थान के कोटा के इस वक्त बुरे हालात हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस तरह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है।